लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी आप चुप नालायक बेवकूफ, अपने तटपुंजियों के साथ तुझे हवेली पर हमला करने के लिए किसने कहा था? पिताजी मैंने सोचा। क्या तूने सोचा? तूने लेकिन सोचने के पहले ये नहीं सोचा किसका अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेंक सकता है। बापू चुप, एक लड़के ने जरा सा क्या उकसाया कि तू मेरी इजाजत के बगैर पहुंच गया वहां पर? अगर हवेली में किसी को भी जरा सी भी इस बात की भनक मिल गई कि कहर सिंह दीवान हुकम सिंह का लड़का है तो हमारा सालों का बना बनाया खेल उसी दिन बिगड़ जाएगा। गलती हो गई बापू, गलती हो गई। मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाता हूं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे रो मत, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। लेकिन देख, हमेशा एक बात याद रखना, मुझे पूछे बिना उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखना। बराबर? बराबर। बाकी रे उस लौंडे की बात बेटा, उसको तो मैं देख लूंगा। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ गया बापू, बिल्कुल समझ गया। बापू अब तो माफ कर दे। ठीक है बेटा, ठीक है। देख बेटा, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए तो कर रहा हूँ, मेरा क्या है? मुझे तो जितनी दुनिया देखनी थी देख ली। मेरा तो एक ही सपना है कि तू एक दिन इस हवेली पर राज कर। खैर अब ये बताओ कि उस हवेली के वफादार बुड्ढे का क्या हाल है? नीचे तहखाने में आराम फरमा रहा है बापू, हम उसकी सेवा का पूरा ख्याल कर रहे हैं। अरे बापू मत करो, बापू ये क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा, बुढ़ाऊ मर जाएगा।
ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना भाई साहब? खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाई कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? सगे भाई को मैं भाई नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? आखिर खून का रिश्ता है, और वैसे भी आपको मैं दीवान साहब तो कह नहीं सकता, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से लोग मुझे दीवान साहब कहने लगे है ना। नकली दीवान बनकर तू लोगों को धोखा दे सकता है मगर भगवान को नहीं। एक दिन तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है भाई साहब, वो तो सबको भुगतना पड़ता है, जैसे कि आप भुगत रहे। अगर आपने हमारी बात मान ली होती भाई साहब तो ना ही आपके टांगे जाते और ना ही आज आपको ये दिन देखना पड़ता। मुझे अपनी टांगों के जाने का कोई दुख नहीं है, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं मर क्यों नहीं गया। तुम्हारी जैसी मनोहर सूरत देखने के लिए मैं आज तक जिंदा क्यों हूँ? जिंदा रखा है भाई साहब, इसीलिए जिंदा है। हम भला आपको कैसे मार सकते हैं? लगता है आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूं और भूलूंगा भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन सीमा की शादी और इस नालायक के साथ ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत हुई कहां भाई साहब, हिम्मत पैदा की है, क्योंकि आजकल फिर से जेबें खाली हो गई है। और मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? आखिर रानी जी को भी सीमा की शादी किसी न किसी के साथ तो करनी है। और शादी के लिए जरूरी होता है एक लड़का, जो आपके आशीर्वाद से अपने घर में ही है। और भाई साहब कहर सिंह अगर मेरा बेटा है तो आपका भतीजा भी तो है, और उसके इस भविष्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? बंद करो ये बकवास। अगर तू मेरा छोटा भाई नहीं होता तो मैं तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। तो निकाल सकते हैं, आपका हक है, आप बड़े भाई जो है। लेकिन एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सीमा की शादी जिससे भी होगी वो सारी जायदाद का मालिक होगा, और सारी जायदाद का मतलब होता है करोड़ों, और करोड़ बहुत होते हैं भाई साहब। आपने तो देखे भी होंगे, गिने भी होंगे, लेकिन अपने अपने होते हैं। मिलजुल के बात लेंगे। चुप कर, गुस्सा नहीं पैदा, गुस्सा नहीं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने जिंदगी भर किया क्या? नौकरी यानी कि गुलामी, क्या मिला क्या आपको? क्या कमाया क्या आपने? तेरी तरह नमक हराम नहीं हूं मैं, इज्जत कमाई है मैंने। तो और इज्जत कमाई है ना, रानी जी के नौकर नहीं रिश्तेदार हो जाइए, इज्जत और भी बढ़ जाएगी। हाँ काका, बाबू ठीक कहता है। मैं छह फुटा हट्टा कट्टा नौजवान लाखों में, ऊपर से आपका भतीजा। अरे भाई मुझ में भला बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है सिवाय इसके कि तू अनपढ़ है, जाहिल है, चोर है, उचक्का है, और कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। तो क्या हुआ, जेल जाने वालों की शादी नहीं होती क्या? ये तो मेरा रिकॉर्ड है जिसे मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। मतलब ये कि घर की बात घर में रहेगी। उनको तो नहीं मालूम ना? उनको नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो मालूम है, और मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम दोनों अपनी मनुष्य सूरत लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। बाबू, वो कौन सी कहावत है जिसमें लंका जल के राख होती है? घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन एक और कहावत भी है बेटा। कौन सी? कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वाह, इसको भाई भतीजा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लगता इसकी नजर भी जायदाद पर है, और सारी जायदाद अकेले ही हड़प कर जाना चाहता है। और थप्पड़, वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा, और उसी थप्पड़ का जवाब देने के लिए मैंने तुझे आज तक जिंदा रखा है, और उसका जवाब होगा कहर सिंह के साथ सीमा की शादी। ऐसे क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि माँ ने जो तुम्हारे बारे में कहा था वो सच ही था। ऐसी कौन सी बात कह दी रानी माँ ने? जो बात कही थी वो तो मैंने रात को ही देख ली। अच्छा ये तो बताइए, ये गोली बोली चलाना कहाँ से सीखा? बस ऐसे ही। तो बस ऐसे ही मुझे भी सिखा दो।
तुम क्या करोगी सीख कर? तुम्हारा साथ दूंगी और क्या, ताकि अगली बार जब डाकू लोग अपनी फौज लेकर आए तो मैं भी उन्हें कुछ सबक सिखा।